ओके तो आज के इस पार्ट में हम देखेंगे जो ऑडियो कोडेक चिप्स होती है, ठीक है, तो वो क्या मतलब उसको काम कैसे करती है। ठीक है, देखिए इसका जो फंक्शन होता है इस चिप का, तो वो होता है टू डिकोड ऑडियो सिग्नल एंड ट्रांसमिट देम टू ऑडियो पोर्ट्स। मतलब ये चिप क्या करती है, जो ऑडियो सिग्नल जो मिलते हैं रिस्पेक्टिव चिप की तरफ से, उसे कन्वर्ट करके, उसे डिकोड करके वो कहाँ पे भेजते हैं, जो आपको ऑडियो पोर्ट से जहाँ पे स्पीकर का ऑडियो सॉकेट होता है वहाँ पे ये भेजने का काम ये चिप करती है। ठीक है, टू डिकोड माइक्रोफोन सिग्नल। ठीक है, जो हमारा पिंक पोर्ट जो होता है ना, वहाँ पे हम माइक्रोफोन लगाते हैं, वो माइक्रोफोन जो है माइक्रोफोन से जो इनपुट जो जाता है इस चिप की तरफ, ये चिप उसे डिकोड करके हमें स्पीकर के लिए आउटपुट देने का काम करती है। ठीक है, दिस चिप इज अ स्क्वायर इन शेप। जो मैक्सिमम जो चिप होती है ऑडियो चिप, ऑडियो कोडिक चिप, वो स्क्वायर शेप में ही होते हैं। ठीक है, दिस चिप हैज अ 12 पिन्स ऑन ईच साइड, फॉर एग्जाम्पल टोटल पिन काउंट ऑफ 48। ठीक है, तो ये एक साइड में 12 पिन इसके अंदर होती है। ठीक है, लेकिन ये तो मैंने खाली ये LC AC जो 97 जो चिप है उसके बारे में बताया, लेकिन अभी हम थोड़े से अलग अलग तरफ के टाइप के हम चिप देखेंगे। ठीक है, दिस चिप हैज ऑप्शनल RTC। मतलब ये 100% नहीं है कि उसके साथ ये RTC आपको रहेगा, लेकिन किसी किसी चिप के साथ आपको ये RTC मिल सकता है। उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो है 24.576 MHz, विच कैन बी ऑन द ऑपोजिट ऑफ द मदरबोर्ड। मतलब ये आरटीसी जो होता है, एक तो वो चिप के साथ या चिप के बगल वाले मतलब उसके बैक साइड में भी हो सकता है। ठीक है, और देखिए अभी ये चिप के मैन्युफैक्चरर मतलब कौन सी चिप आपको देखने को मिल सकती है। देखिए यहाँ पे है एडी, मतलब एडी का भी मिल सकता है, रियलटेक का भी मिल सकता है, कॉनेक्सन का भी मिल सकता है, सी मीडिया का भी मिल सकता है, यामा का मिल सकता है, सिग्मा टेल का भी आता है, विनबॉन्ड का आता है, वाया और एलसी का। ठीक है, अभी ये कुछ सैंपल्स है जो मैं आपको सामने रख रहा हूँ। ये जो है ये सी मीडिया का जो है ना, CMI9739A, ये जो कोडेक चिप है ये सी मीडिया का कोडेक चिप है। ठीक है, उसके बाद ये सिग्मा टेल STAC9708T, ठीक है, ये इसका नंबर है, ये कोडेक चिप है सिग्मा टेल का। ठीक है, उसके बाद ये कॉनेक्सन का है, ठीक है, CX20952, ये कॉनेक्सन का। ज्यादातर ये ऐसे वाला चिप जो है वो ज्यादातर लैपटॉप में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद वाया, ठीक है, ये जो ना VT6308P, ये आपको वाया वाया में ही ये अवेलेबल होता है। ठीक है, वाया कंपनी का ये चिप है। देखिए आप इसके बाजू में आप देख सकते हो ये क्रिस्टल है, ठीक है, यहाँ पे एक ये क्रिस्टल है। उसके बाद ALC, ठीक है, तो ALC का भी आप देख सकते हो 850, ALC 850, ये ALC का चिप है। ठीक है, ये ALC का कोडेक्स होता है। ओके, तो जैसे कि हमने जो ऑडियो चिप देखी है, तो हम थोड़ा स्कैमेटिक में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक लैपटॉप है और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे ये ऑडियो कोडेक है, और ये जो ऑडियो कोडेक है वो CX20672, यानी ये कॉनेक्सेंट का ये चिप है। ये ऑडियो कोडेक जो है वो कॉनेक्सेंट कंपनी का है। ठीक है, ओके, देखिए तो ये चिप है, ठीक है, और ठीक है, देख सकते हो आप, और यहाँ पे लिखा हुआ है चिप नंबर, जो चिप नंबर होता है ना, ये चिप नंबर है। ठीक है, अब ये चिप से कनेक्शन गया है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एक्सटर्नल माइक माइक्रोफोन जो है उसके लिए कनेक्शन गया है, माइक आर और लेफ्ट, मतलब राइट और लेफ्ट का एक कनेक्शन है। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे आपका स्पीकर आउट है, स्पीकर लेफ्ट और राइट का स्पीकर आउट कनेक्शन है यहाँ से, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्चुअली ये डिजिटल माइक का कनेक्शन है। उसके बाद हम देखेंगे ये इंटरनल स्पीकर, ये जो पिन है ना 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो हमारे मदरबोर्ड पे जो पिंस लगी हुई होती है ना, जो हम इंटरनल माइक लगाते हैं वहाँ पे, मतलब जो छोटा वाला माइक होता है जो बीप एरर वगैरह देता रहता है वो, ठीक है। तो बीप एरर के लिए एक सेपरेटली ऐसा एक कैरेक्टर होता है जहाँ पे सिर्फ बीप आपको सुनाई देगा। जैसे कोई भी विंडोज का एरर हो तो वो एरर आपको इसी यहाँ पे जब हम माइक लगाते हैं तभी हमें यहाँ पे वो सुनाई देगा, ठीक है। ये कनेक्टर है उसका, और ये एक सर्किट है जो पीसीबी कंट्रोल करता है, ठीक है। ये U16 इसका जो छोटा आईसी होता है, ये तो उस आईसी का नंबर ही है TC7S ET32FU, ठीक है। और यहाँ पे ये GPIO वो जो कॉम्बो है, तो मतलब हमारे मदरबोर्ड पे जो कनेक्शन होते हैं ना, मतलब फ्रंट बस के लिए अलग से कनेक्शन होता है, उसके लिए ये GPIO कनेक्शन होते हैं, जो मदरबोर्ड के ऊपर जो पिंस लगी हुई होती है उसके लिए कनेक्शन GPIO का कनेक्शन होता है। ये PCB सिग्नल का कनेक्शन है, ये 10 नंबर पिन पर। ये SPDIF का कनेक्शन है 39 नंबर पिन पर। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये U17 चिप जो है, U17 चिप सॉरी, ये जो वी ऑक्स ये जो होता है ये लाइन इन का कनेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ से लाइन इन कनेक्शन होता है हमारा। ठीक है, तो हम अभी एक दूसरा देख लेते हैं, दूसरा भी हम एक देख लेते हैं। ये पहले हम देखेंगे कौन सा चिप है। एक्चुअली ये चिप है कॉनेक्सेंट का ही चिप है, ये कॉनेक्सेंट का ही चिप है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पीसीबी सिग्नल, बस ये सही सभी, जैसे अभी स्पीकर इंटरनल स्पीकर के लिए कनेक्शन है ये, उसके बाद आपको एक्सटर्नल स्पीकर के लिए भी कनेक्शन मिलेगा यहाँ पे। ये एक्सटर्नल माइक का कनेक्शन है, यहाँ पे माइक्रोफोन लगेगा, और ये देख सकते हो आप ये हेडफोन के लिए कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। और ये इंटरनल माइक का कनेक्शन है, ये जो लैपटॉप के अंदर जो माइक होता है उसके लिए कनेक्शन है, ठीक है। ओके, अभी हम तीसरा चिप देख लेते हैं। ओके, ये ALC का चिप है, ALC कोडेक है ये चिप। इसमें भी आपको स्पीकर आउट के लिए यहाँ पे ये स्पीकर आउट राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ठीक है। और यहाँ पे ये मोनो आउट पीसी बीप, ये पीसी बीप इन सिग्नल होता है यहाँ से। और
यहाँ पे जो माइक्रोफोन का कनेक्शन है, यहाँ पे वो माइक्रोफोन, ये हो गया माइक्रोफोन का कनेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे जो है ना VDD, यहाँ पे आपको 3 वोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए यहाँ पे, और स्पीकर आउट पे भी आपको 3 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अगर कुछ आवाज़ आ रही है तो ठीक है, अगर आपका अचानक से आवाज़, अगर आपका लैपटॉप, इसका लैपटॉप का बंद हो जाए तो आपको एक बार ये चिप भी चेक करके देखना होगा कि यहाँ पे सिग्नल मिलता है या नहीं, ठीक है। और एक है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ओके, तो ये वाला एक चिप है, ठीक है। ये 92 SG, माने माने ये जो है वो चिप होती है, ये IDT, IDT का, IDT कंपनी है, IDT मैन्युफैक्चर जो है इस चिप का। देखो ये ऑडियो PCB का कनेक्शन यहाँ पे है, जो एरर होते हैं हमारे विंडोज़ के, उसके लिए, एरर के लिए ये सिग्नल, पीप सिग्नल होता है यहाँ पे। ये भी देखते हैं हम, यहाँ पे आपका स्पीकर आउट है, उसके बाद आपका ये एक्सटर्नल माइक आउटपुट है, ये आपका ऑडियो सेंसर, ये इंटरनल माइक का कनेक्शन है ये, और आपका ये ऑडियो लाइन के लिए, लाइन जो होता है ना, लाइन कनेक्शन हमारा, उसके लिए ये है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा जो कनेक्शन जो जो है इस चिप के साथ, हमने देखा कि ये जो चिप है, ये चिप से रिलेटेड कैसे, ये चिप से क्या होता है और कौन से कंपनी की चिप होती है, आज हमने इस टॉपिक में देखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को, और देखते रहिए हेडशॉट फिल्म्स। थैंक यू।